व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 370 मूवी का ऑफिशियल टीजर स्टारिंग यामी गौतम। भाई मेरे सामने आज ही आया है टीजर, मुझे पता नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी, तो ट्रेलर आएगा उस पर भी जरूर रिएक्ट करेंगे, देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। कश्मीर बहुत सुंदर, क्राउनिंग ब्यूटी, बर्निंग सस्टेनेबल। ये संतरा कश्मीर में टेररिज्म एक धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। आउट ऑफ 29 स्टेट्स मैक्सिमम फंडिंग सेंटर से कश्मीर को आती है ताकि वहां अमन बना रहे, पर वहां के टॉप पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स अपनी जेबें गरम रखने के लिए सालों से कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का भर भर कर फायदा उठाते हैं। हम कितना भी जोर लगा लें, जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ में नहीं लगा सकते। ATM अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो भी 370 को हटा नहीं सकते। सभापति महोदय, आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे। ये मूवी बवाल होगी, जैसे अभी तक बनी थी ना, जैसे वो थी कश्मीर फाइल बनी थी, लोग करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे, लगी थी मिर्ची पर बढ़िया सच्चाई सच्चाई है, और ये बहुत हार्श रियलिटी है वहां पर ना, लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं हुआ। उसमें यामी ने बोला भी था जब उसका, क्योंकि वो है ना कश्मीरी, तो है ये कश्मीरी पंडित है शायद ये जो यामी है। हाँ। ये पक्का कंफर्म नहीं है भाई, अगर पता हो तो बता। है कश्मीरी उसमें है, उस टाइम बोला था इसने जब वो वाली मूवी आई थी आर्टिकल 370। ठीक है, जो लोग अपोज कर रहे हैं ना वो हार्श रियलिटी में बताता हूँ आपको, सबका हक है, ये इंडिया है, सबको हक है रहने का। और दूसरी बात, वहां पर पॉलिटिक्स इतनी बुरी पॉलिटिक्स हुई है वहां पर, और एक टाइम पे तो यार वो छोड़ो, मैं ये कहता हूँ किसी का नहीं, एक आम आदमी वहां रह रहा है उसको ये नहीं पता मेरे को कब दुकान खोलनी है, कब बंद कर देनी है, कितने दिन बंद रहेगा, कर्फ्यू लगा रहेगा, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे, ये मंत्री इन सबको भूल जाओ वहां पर। मैं कह रहा हूँ आम आदमी एंड ऑफ द डे रोजी रोटी के, इतनी सुंदर जगह है, इतना हाँ। अच्छा, मतलब टूरिज्म हो वहां पे इतना प्यारा, लेकिन उसकी हालत है, लोग मतलब डरते थे। वो ऐसी जगह है दुनिया बार बार घूमना चाहते। मैं बचपन में रहा हूँ ना वहां पर, मैं 3rd और 4th क्लास में रहा हूँ, पापा की पोस्टिंग थी 2 साल वहां पर, कितना सुंदर है भाई। श्रीनगर घूमा 2009-10 में बन रहा था प्लान, मतलब फैमिली के साथ, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मना कर दिया क्योंकि बहुत उस टाइम ये था कि नहीं यार, मतलब डरते थे उस टाइम, और मैं बताऊँ मैं खुद डरती थी, और अब मेरा मन करता है कि जाऊँ घूमूँ। आज अभी एक हाल ही में हमने एक इंटरव्यू भी देखा था वहाँ के जो पंच कश्मीर का जो सरपंच है, उन्होंने कहा था मैं मोदी गवर्नमेंट का फैन नहीं हूँ, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई आज जो कि जो इजीली उनको भी मैं हम वो नहीं कर सकते कि हाँ बहुत कुछ किया है, हर चीज में धांधली थी, लोगों को तेल मिलना जो स्टोव में जलाते हैं उसी से लेकर हर चीज, और आज सब डिजिटल हो गया। बोली थी कि जो बाजार में आप इतनी मार्केट में इतनी रौनक देख रहे हैं, लोग पहले नहीं होती थी, डर का माहौल था क्योंकि खुलती कम थी, बंद ज्यादा रहती थी। एक आम आदमी क्या चाहता है कि 3 वक्त की रोटी इजीली खा लूं, हाँ, काम पे जाऊं, धंधे पे जाऊं, अच्छे से, लोग क्या चाहते हैं कि एजुकेशन हो, एक आम आदमी क्या चाहता है मेरी दुकान हो तो लोग ग्राहक आए, एक टूरिज्म का अगर डिपार्टमेंट वहां पर है, वहां के लोग जिनका रोजी रोटी चलती है लोग घूमने आते हैं, तो डर के माहौल की वजह से सिर्फ 100 लोग जा रहे हैं उनसे उनका बेनिफिट है, 1000 लोग जा रहे हैं उससे बेनिफिट है। ये चीज है, आम इंसान से ग्राउंड लेवल पे आप पूछोगे ना सच्चाई, वो ये बोलेंगे इतना दहशत फैला रही थी, इतना बुरा हाल कर रखा था, और लोग थैंकफुल है आर्मी को, क्योंकि हाँ। जो बवाल एक टाइम पे था ना आज, और मैं देखो भैया जिसको बुरी लगती होगी ना बात, या तो आपका आज भी एजेंडा चल रहा है वही चीज, हाँ। या आपकी मानसिकता है कि हाँ। कि भैया वो पाकिस्तान सपोर्टर हुआ, मैं साफ बताता हूँ आप किसी को भी सपोर्टर हो, मैं यहाँ किसी पाकिस्तानी को या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो हार्श रियलिटी ये है कि वहां पर लोगों को गुमराह किया गया, वहां पर लोगों को इस तरीके से फ्रीडम, भाई फ्रीडम नहीं देखना, वो पत्थरबाजी और इतना, मतलब कितने आर्मी बता कितने एक बिजनेस चला रखा था, पत्थर फेंकते थे, वो बिजनेस बना रखा था, बिजनेस मॉडल फंडिंग लेना, ये करना, फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं था। और आज मैं बता रहा हूँ इतनी सुंदर जगह है ना कश्मीर, वहां पर टूरिज्म जाएगा ना, इतना मैं बता रहा हूँ कि
टूरिज्म से इतनी रेवेन्यू जनरेट कर लेगा वहां पर जब पूरे देश, क्योंकि बहुत सुंदर है यार डेवलपमेंट, ये लगा लो बड़े लेवल पर अब शुरू हो चुकी है वहां पर, मॉल भी आ रहा है और धीरे धीरे फाइव स्टार होटल से लेकर हर एक चीज डेवलप हो जाएगी ना। स्विट्जरलैंड प्रेसिडेंट भूल जाओगे आप, कश्मीर बहुत सुंदर है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ट्रेलर जरूर इंटरेस्टिंग रहेगा, वो भी देखेंगे। इसमें यामी गौतम स्पाई वो रॉक के लिए काम करती है, स्पेशल एजेंट होती है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी ट्रेलर में पता लगेगा। मिलते हैं आपसे खबरों के साथ, बाय, टेक केयर।